बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मोद नदी उफान पर है। मोद नदी पर बने पुल से निकलने की कोशिश में एक मारुति वैन नदी में जा गिरी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वैन देखते ही देखते बहती चली गई। वैन चालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो वैन है जो बह गई नदी में और बड़ी मुश्किल से ड्राइवर चालक ने अपनी जान बचाई। वैन चालक खतरे को भांपकर तुरंत वैन छोड़कर उतर गया, लेकिन उसकी वैन नदी के पानी में बहती चली गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर। देखते ही देखते पुल से बहकर नदी में चली गई ये वैन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुल से बह रही है और नदी में ये वैन जा रही है। ड्राइवर ने खतरे को पहले ही भांप लिया और उसमें से कूद गया, लेकिन वैन जो थी उसकी वो नदी में चली गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ से। तो तेज बारिश होने के कारण कई नदी नालों में पानी बढ़ गया था, जिसके कारण कई पुलियाओं में पानी आ गया था। इसी तरह मोद नदी भी मानली पुलिया पे पानी था। वहाँ से एक मारुति वैन के चालक जितेंद्र के द्वारा अपनी गाड़ी ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास किया गया, जिसमें उसकी गाड़ी बह गई, परंतु चालक सुरक्षित तैर के बाहर आ गया। गाड़ी मारुति वैन थी, जिसका भी पता नहीं चला है। मारुति वैन चालक द्वारा पिटोल पुलिस चौकी पर अपनी गाड़ी बहने के संबंध में आवेदन दिया था। उसके द्वारा बताया गया कि गाड़ी में उसके अलावा कोई भी नहीं था, कोई जनानी नहीं हुई। आज रात भर बारिश की वजह से मोद नदी उफान पर थी, तो उस समय है वहाँ पे मौजूद था मैं, और एक वैन वाला आया और उसको मना भी किया कि बारिश बहुत है और तेज बारिश ऊपर पानी जा रहा है। उसको मना करने के बाद भी वो निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो निकाल रहा था तो बीच में जाके वैन अटक गई, आगे ना पीछे चल पाई और इतने में वो ड्राइवर निकल के बाहर आ गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन वैरागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नितिन, क्या है मामला, पूरा विस्तार से बताइए। जी सचिन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है मैम आपकी। जी सचिन, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। दो दिन से क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते राणापुर क्षेत्र में मोद नदी उफान पर आ गई थी और पुल पर से पानी बह रहा था। इस दौरान एक वैन चालक, मारुति वैन चालक, वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा भी कि नदी बहुत ज्यादा तेज बहाव नदी में बना हुआ है, तो आप उस मत जाए, लेकिन वो उनकी बात नहीं अनसुनी करते हुए पानी में उतर गया और वैन पानी के बहाव के साथ बहने लगी। तो वैन चालक तत्काल उसमें से कूदा और तैर कर वो तो बाहर आ गया, लेकिन वैन नदी में बह गई, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जी सचिन, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर वाहन चलाना की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। कैसे वो चालक वहां पर चला गया? असल में मैम, ये झाबुआ जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ की, तो रपटे वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में काफी है और जहाँ पे एक या दो बारिश के बाद अचानक उफान पे आ जाता है नाले, नदी नाले, तो इस कारण हर जगह सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं हो पाता है। तो प्रशासन ने व्यवस्था ये करी है कि जो स्थानीय कोटवार है जी गांव के, उनको कह रखा है कि पुलिया पे यदि पूर्व पानी जा रहा है तो तत्काल गाड़ियां रोके और लोगों को वहां आवाजाही बंद करें। लेकिन चौकीदार ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसका परिणाम है ये तो अच्छा हुआ कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जी सचिन, फिलहाल वो जो कार चालक है उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है? वो तो बिल्कुल सामान्य हो चुका है। उसने पिटोल चौकी क्षेत्र में अपना आवेदन भी दिया है कि वैन लेके जा रहा था और बहाव में बह गई है उसकी वैन। जी सचिन, अब ये एक सबक यहाँ पर मिलना चाहिए, तो प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से अभी तक तो यही कहा गया कि हम बैरिकेड वगैरह जो महत्वपूर्ण पुल पुलिया है वहां पे ट्रैफिक के बैरिकेड लगा रहे हैं, ताकि जब नदी उफान पर हो तो कोई वाहन चालक या आम आदमी वहां से ना गुजरे। जी सचिन बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता सचिन बैरागी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें जानकारी दे रहे थे क्या है पूरा मामला। एक बार आपको बता देते हैं कि यहां से रास्ता बंद रहता है, लेकिन जो नदी है मोद नदी है वो उफान पर है, वहां से नहीं जा सकते, मना किया गया, लेकिन वो ड्राइवर जो था वो नहीं माना और वहां से निकला। और हालांकि वो खतरे को भांप गया, वैन में से अपने निकल गया, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी वैन है वो नदी में बहकर चली गई। बहुत मुश्किल से ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में।
तो आपको बता दें कि मोद नदी के तेज बहाव में ये वैन बहती चली गई।